एक दस्तरखान शीट्स बेचने वाले को एक पुलिस कर्मी ने फेक इंकाउंटर करके उसकी हत्या कर दी, उसका कत्ल कर दिया। उसकी पत्नी, उसकी बीवी उसकी जान की भीख मांगती रही, अपने पति के जान की भीख मांगती रही, उस पुलिस कर्मी के सामने गिड़गिड़ाती रही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। एक दस्तरखान शीट्स बेचने वाले को एक पुलिस कर्मी ने फेक इंकाउंटर करके उसकी हत्या कर दी, उसका कत्ल कर दिया। उसकी पत्नी, उसकी बीवी उसकी जान की भीख मांगती रही, अपने पति के जान की भीख मांगती रही, उस पुलिस कर्मी के सामने गिड़गिड़ाती रही। लेकिन इस शख्स ने उसकी एक नहीं सुनी और उस दस्तरखान शीट बेचने वाले की हत्या कर दी। ये मामला 2006 का है, घाटी का। घाटी के अंदर 2006 5 या उससे पहले 1990 से ही आतंकवाद जो था वो पीक में था, और उस समय जानते हैं कि लोग किस तरह की स्थितियां थी। कुछ इस तरह के भी पुलिसकर्मी बीच में थे, क्योंकि उस समय आतंकवाद पीक में था और शायद सरकार की तरफ से भी कुछ इस तरह की पॉलिसियां बनाई गई थी कि आप आतंकवादियों को मारें और उसका पैसा भी मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगी, इस तरह की कुछ हो सकता उस समय हो। और उस दौरान कुछ पुलिस कर्मी, कुछ सरकारी अधिकारी इस तरह के भी थे, कुछ ऑफिसर इस तरह के भी थे जो फेक इंकाउंटर कर करके अपनी प्रमोशनें ले रहे थे, अपनी वाहवाही लूट रहे थे, मेडल ले रहे थे, पैसा ले रहे थे, ये सब कर रहे थे। और एक दस्तरखान शीट पे एक आम आदमी जो हमारी आपकी तरह ही यहाँ रोड के ऊपर अपना काम कर रहा होगा, उसको उठाया और उठा के उसका फेक इंकाउंटर कर दिया। इस मामले में कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है, बेल के लिए अप्लाई किया गया था और बेल को खारिज कर दिया, जमानत नहीं दी गई है, खारिज कर दिया। और कहा कि गलत काम करने को, जब आप गलत काम कर रहे थे तो आपके दिल में ज़रा रहम नहीं आया, तो जमानत किस बात की, बेल किस बात की। ये पूरी खबर जो है मैं आपको विस्तार से बताऊं। यह मामला कश्मीर का घाटी का है। पुरस्कार और पैसों की खातिर आम नागरिकों को आतंकी बताकर, फर्जी मुठभेड़ को अंजाम देने के मामले में आरोपी पुलिस कर्मी की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और इस पुलिस कर्मी फारूक अहमद पाडरू पर आरोप है कि उसने अपने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर वर्ष 2006 में फर्जी मुठभेड़ को अंजाम दिया था। उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फर्जी मुठभेड़ को अंजाम दिया था 2006 में। और जो बांदीपुरा कोर्ट है वहाँ पर जो प्रधान स्तर न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा कि दस्तरखान शीट बेचने वाले को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उस समय पीड़िता की पत्नी गिड़गिड़ा रही थी। ऐसे हालात में जुर्म करने वाले को फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। अभी योजनाओं के अनुसार कोकरनाग के नोबाग निवासी गुलाम नवी वानी जो दस्तरखान शीट बेचता था उसको मारा गया था। उसे लाल चौक से सटे बिस्को स्कूल के पास से पुलिस टीम उठाकर ले गई। वानी के चार बच्चे हैं और जमानत याचिका पर प्रधान स्तर न्यायाधीश अमित शर्मा ने कहा कि ये एक निर्मम हत्या का मामला है, आरोपी पुलिस अधिकारी है और कर्मचारी है। इस मामले में वर्दी पहनने वाले रक्षकों ने ही
हत्या को अंजाम देकर विश्वासघात किया है। बचाव पक्ष की तरफ से ट्रायल में दायर देरी की दलील दी थी, लेकिन देरी अभी योजनाओं की ओर से नहीं है। इसके अलावा आरोपी ने जिस तरह से पीड़िता की रोती बिलबिलाती पत्नी की गुहार भी नहीं सुनी, उसके दिल में ज़रा भी रहम नहीं आई, तो उसे ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका को कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि ये जमानत याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आप देखें कि ये पुलिस कर्मी फारूक अहमद पाडरू इसने किस तरह की ये घटना को अंजाम दिया है। पुरस्कार पाने के लिए पैसों के खातिर एक आम आदमी को जो सड़क पर बेचारा रोजी रोटी के लिए काम कर रहा होगा, उसको उठाया और उसको आतंकवादी बताया और उसको आतंकवादी बताकर मार दिया। पत्नी रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। घाटी के अंदर की तस्वीरें कई तो अभी तो कश्मीर फाइल मूवीज़ के जरिए भी लोगों ने जाना कि क्या 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 वहाँ पर हुआ। इसके अलावा कुछ और भी मूवीज़ बनी थी, एक पहले भी मूवी आई थी उसमें भी ये दर्शाया गया कि वहाँ पर किस तरह से लोगों को, आम लोगों को मरवाया जाता था कुछ लोगों द्वारा, कुछ रसूखदार लोगों के द्वारा, और मरवाने के बाद उनको बताया जाता था ये आतंकवादी हैं। अब बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर देखकर थोड़ी सी प्रसन्नता देशभक्तों में ज़रूर होती है, लेकिन आप इस खबर के ऊपर राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।